है वहाँ पे बाहर, और ये मंदिर तो इसके पीछे से इस तरह है, वो ऊपर तक और उससे ऊपर तक। और अभी यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों कहाँ गए इसको बनाने वाले, कितनी मेहनत से बनाया होगा इसको। अगेन आए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। ये देखें कुछ इस तरह का, ये देखें नक्शा है, और इधर से भी इस तरह का है। ये प्रतिमाएं दोस्तों, ये पाकिस्तान का जैन मंदिर देख आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर में इतनी पुराने पुराने मंदिर है भाई। बहुत सारी ऐसे पुरानी मंदिर है जिसको तोड़ दिया गया है, जिसको फोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे पुरानी मंदिर है अभी तक वहीं पे खड़ी है। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का जैन मंदिर, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान और दिखाता हूं कि जैन राम मंदिर कैसा होता है पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान का हिंदू मंदिर कैसा है। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। आगे अगेन से चश्मा उतार दूं, अभी रेत पड़ रही थी पहले। तो ये देखें, ये भी पुराने दौर की उसी वक्त की मौजूद है। देखें ये देखें जी, ये एंट्रेंस मंदिर की रही, ऊपर प्रतिमाएं भी हैं, लेकिन से देखें इंटरेस्ट हो गई, प्रतिमाएं भी ऊपर मौजूद हैं। मज़ीद जो अंदर की प्रतिमाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ भी नहीं है जो हमें नॉलेज बताए कि कितना पुराना मंदिर है। ऊपर देख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं, बनाने वाले ने भी क्या कारीगरी की है, क्या कमाल की कारीगरी की है। ये देखें प्रतिमाएं इनमें भी मौजूद है। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ और प्रतिमाएं भी पड़ी हैं नहीं, वो विस्प होते हैं, विस्प वो डेंगू जिसको बोलते हैं ना, पूंडी पंजाबी में बोलते हैं। तो इसके अंदर पूंडियां बैठी हैं, अगर पूंडियां देखनी है तो भाई पूंडियां ये देखें, पूंडियां तैयार है बस पंच कोई बाना। यहाँ से हम देखते हैं कि ये हैं प्रतिमाएं जो यहाँ इस मंदिर में पाई गई। इसमें आपने बताना है कि ये कौन सी प्रतिमाएं हैं, कौन से देवता की मूर्तियां हैं। ये काफी पुरानी प्रतिमाएं पड़ी हैं यहाँ पे, ये देखें आप बताइएगा कौन सी है। और यहाँ पर ये जो पीली मक्खियां, ये देखो भाई ये डंक मारने वाली होती है, इनके डंक लगते हैं फिर बस वो जगह सो जाती है। ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे कुछ है, कुछ मतलब क्या है? हाँ मैंने देखा है सांप वगैरह, एक मिनट इसके पीछे, हाँ इसके पीछे मकसद कैसे है? देखो सांप है कोई, पता नहीं क्या है, ऐसे करना। तो अभी जो है कुछ प्रतिमा इसमें भी बनी हुई जो है निकाल ली गई है, अभी इस ओर जा रहे हैं क्योंकि ये मंदिर बंद पड़ा है। यहाँ पे हिंदू भी बहुत संख्या में है लेकिन यहाँ पे आते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। आप बात करें इन मंदिरों को इसमें आए, इधर संख्या में जो है 80+ जो है हिंदू रहते हैं, 10-10 हज़ार जो है घर हिंदुओं के हैं। वो मंठार जा रही है देख रहे हैं, वो सारी की सारी भरी हुई है, ऐसे के ऐसे टोले के टोले यहाँ पे जो है ना हिंदुओं के हैं। लेकिन ये देखें जैसा मंदिर है ऊपर तक, ये दो के वो तक सारा का सारा जो है, तो कमेंट में बताइएगा ये जैन टेंपल है या कुछ और टेंपल है। जो जो देख रहा है वो मुझे कमेंट में बताए कि ये कौन सा टेंपल है। हम तो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि जस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जैसे बोर्ड लगा दिया कि जैन टेंपल है। अगर देखा जाए तो ऊपर भी वो प्रतिमा बनी हुई है। मेरा कैमरा खराब हो गया है जो जूम नहीं करता, ये एक प्रतिमा बनी हुई है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दो बनी हुई है, बल्कि एक ऊपर ऊपर है, एक उससे नीचे भी है, दो बनी है। देखो मोबाइल खराब हो गया है, आई तो दो प्रतिमा बनी हुई है। और जैसे मक्खन भाई ने कहा कि अगर आपको पता है तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जैन टेंपल है, बाकी कंफर्म नहीं है। हम आपको आ जाओ, बेर भी खाते हैं इस मंदिर के यार, आ जाओ बेर वगैरह भी हैं। जूता मैंने उधर उतार दिया, अभी मेरे को कांटे भी चुभेंगे। तो यहाँ के जो स्वीट बेरी है, यहाँ पर बेर लगे हुए हैं, ये तो कानो है, बेर कानो है अभी, और खराब बेर है जिसे खराब कहा जाता है ना, जिसको कीड़ा लगा होता है, खट्टा है। दोस्तों ये है वो ऊपर तक प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये खुद जूम करके देख लीजिएगा। मैं जूमिंग करता हूँ तो कुछ रिजल्ट खराब हो रहा है, पता नहीं ऐसे अपडेट हो जाता है, मोबाइल खराब हो चुका है, समथिंग इज रॉन्ग इन माय सेल एडिटिंग टाइम जूम करके दिखा रहा हूं। तो अभी तो दोस्तों अभी सामने चलते हैं, ये जो आपको छोटे छोटे आपको कमरे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल इस तरफ चलते हैं आपको, ये देखें जी ये जूती हम उधर बाहर उतार रहे हैं। अभी कांटों के अंदर चलना भी मुश्किल है, ये पत्थर वगैरह देख रहे हैं, ये जो प्रतिमाएं वहाँ भी बनी हुई हैं, ये सारी इस मंदिर से रिलेटेड हैं और यहाँ पे पाई गई हैं। बहुत मुश्किल है, ये देखें राम का नाम लेना तो इजी है पर कांटों में चलना मुश्किल है। यहाँ से चलो छोड़ें गपशप को, यहाँ पे आप देखें ये प्रतिमाएं ऊपर बनी हुई हैं, ये पत्थर जो है कितनों साल पुराना है और कहाँ से लाया गया और बनाने वाले कहाँ गए, ये आप कॉमेंट में बताएं।
ये देखें प्रतिमाएं और ये देखें, और कुछ प्रतिमा जो है कुछ मूर्त इस पत्थर पे भी बनाई गई है दोस्तों। देखें अभी जो है इस ओर फिर अगेंस्ट में इधर आ गया हूँ, ये पत्थर चेक करें, ये गुजरात वाली साइड से जोधपुर वाली साइड से ये पत्थर लाया गया था, जस्ट इतना इमेजिन है, ये सारा का सारा ये भी पत्थर है, हाथियों पे लाया गया होगा। ये देखें ये भी प्रतिमा है कुछ, और ये पत्थर देख लें, ये भी बड़े बड़े पत्थर हैं, और इसको अगेन से सीमर किया गया है, पहले ये ओनली पत्थर ही थे बचाने के लिए, और वो रहा मंदिर। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानता है तो मुझे कमेंट करें या मेरे से रابطہ करने की कोशिश करें, मुझे हिस्ट्री बताएं, ताकि जो है हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर कोई व्लॉग बनाएं, ताकि दुनिया जान सके कि ये कितना पुराना मंदिर है हिंदू धर्म का। और इस तरफ देखें, ये देखें, ये प्रतिमाएं देखें आप, टूट फूट का शिकार हो गई, कैसे हुई, क्या वजह बनी, ये कौन बताएगा, ये जानने के लिए हम हैं बेताब। ये देखें दोस्तों, ये पत्थर, ये सब कुछ ये गवर्नमेंट ने अभी जो है ना ढांप ढांप के रखे हैं, एज अ ये हिस्ट्रिकल प्लेस है, इस वजह से कि ये बारिश की वजह से गल ना जाए, ये पत्थर आई थिंक के गलने वाले हैं, गलने वाले तो नहीं है शायद। ये अभी जो प्रतिमा मिली है मेरे को वो है जी, ये देखें, गणेश भगवान की है, वो पिछले मंदिर, वो जैन मंदिर जो मैंने दिखाया था उसमें भी जी श्री गणेश भगवान की मूर्त थी, और इसमें भी ये आप गौर से देखें, ये देखें यहाँ से ये श्री गणेश भगवान की प्रतिमा है, और उसके बाद ये देखें ये प्रतिमा है कुछ इस और इसमें ये भी प्रतिमा है, ये भी मूर्त है, इस मूर्त का नहीं पता चल रहा कौन सी है, और ये देखें ये रही। तो इस तरफ बाकी ऐसा है जंगल है, तो ये देखें ये देखें, तो अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं वापस, और पाँव में देखें ये देखें कोई इशू नहीं है, जय श्री राम, चल रहे हैं इन पत्थरों के ऊपर। ये देखें जूता उतारा है वहाँ पे बाहर, और ये मंदिर तो इसके पीछे से इस तरह है, वो ऊपर तक और उससे ऊपर तक, और अभी यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों कहाँ गए इसको बनाने वाले, कितनी मेहनत से बनाया होगा इसको, अगेन आए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। ये देखें कुछ इस तरह का, ये देखें नक्शा है, और इधर से भी इस तरह का है। ये प्रतिमाएं दोस्तों, ये देखें प्रतिमाएं जो हैं डिस्ट्रॉयड, ये टूट चुकी है, इधर से ये भी टूट चुकी है, दोनों टूट चुकी हैं ऐसे कर। मनु दोस्तों राम राम। तो इस व्लॉग का दोस्तों यहाँ पे करते हैं एंड, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये मंदिर कैसा लगा और क्या फीलिंग रही आपके अंदर ये इतना पुराना मंदिर देख के। तो वीडियो को आपने देखा, पाकिस्तान के अंदर में इतना पुराना मंदिर है जैन मंदिर, भाई आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई, दुबई से की ओर। दुबई से किसी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए, भले गुस्से में बोलते हैं लेकिन परफेक्ट बोलते हैं। पहले आप इनका बयान सुनिए। गुस्से वाले दिल की बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी दिल और जबान में जहर उगलते हैं। मैंने जिंदगी में सीख लिया है बंद लिफाफे में हर चीज को पर लेता हूं, बंद लिफाफे में हर चीज को पर लेता हूं। जिंदगी की सफर में बहुत लोग देखी है लेकिन कुछ लोग हवा की तरह रुख बदलते हैं, कुछ लोग हवा की तरह रुख बदलते हैं, रुख बदलते हैं। आपने देखा कैसे जो है दुबई शेख ने बोला है, भाई गुस्से में बोलते हैं लेकिन हमेशा लेबर के लिए ही बोलते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तथा के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।